मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। और किसी ने क्या खूब कहा है कि चार लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं। जब इन चार लोगों ने प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा तो हम तो फिर इंसान हैं, और हम कैसे हैं ये सिर्फ हम और हमारी अंतरात्मा ही जानती है। इसलिए कभी भी किसी भी अन्य के कारण स्वयं को गलत समझकर अपसाद के शिकार ना बने। तो इसी पॉजिटिव विचार के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं नहा के आ गई हूँ अपनी छत पे। तो मैं सो के उठी थी सुबह 4 बजे और मैंने सारा काम जल्दी जल्दी किया क्योंकि अब भाई जाने लगा है लाइब्रेरी, तो उसके लिए अब खाना जल्दी बनाना पड़ता है। तो मैंने उसके लिए खाना बना दिया, उसका टिफिन लगा दिया, वो चला गया। और अब हम बनाएंगे दही बड़ा। तो मैंने शाम को दाल डाल दी थी औरत की और मुझे दही बड़ा बहुत पसंद है। तो देखिए मैं बैठी हूँ अभी अपनी छत पे और यहाँ का व्यू देखिए। तो देखिए मैं आ गई हूँ अपने आंगन में और ये मैंने दाल शाम को डाली थी। तो चलिए दाल का पानी निकाल देती हूँ और फिर से साफ़ करके धुलेंगे और अब दाल पीसेंगे। तो देखिए मैंने पानी निकाल दिया है और मैं फिर से डाल रही हूँ और दाल थोड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि मैंने डाली थी तभी मेरे से ज़्यादा डाली और फूलने के बाद और भी ज़्यादा हो गई। दही इतना होता नहीं है अब क्योंकि दूध था उसमें से भी कम हो गया था, मम्मी ने थोड़ा कम बनाया था दही और मैंने दाल डाल दी। उसके बाद मुझे पता चला वैसे भी दूध अब कम होता है, वो वाली भैंस तो चली गई इसलिए मैंने आपको दिखाया था वो बीमार थी। तो चलिए अब दाल पीस लेते हैं और फिर बनाएंगे बड़ा पकौड़े जो भी आप बोलते हो। तो देखिए दाल तो मैंने पीस ली है, अब नमक मिर्च पीस लेते हैं दही के लिए। तो ये मैंने हरी मिर्च और नमक, जीरा और हींग लिया है, तो चलिए पीस लेते हैं। तो दाल भी मैंने पीस ली है और नमक मिर्च भी पीस लिया, तो अब जलाएंगे चूल्हा। तो पहले कढ़ाई में लेटी लगा देती हूँ और आज से नवरात्रि भी शुरू हो गई, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो देखिए मैं लगा रही हूँ कढ़ाई में लेटी, तो इससे बर्तन साफ़ करने में थोड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि चूल्हे पे वैसे भी बहुत ज़्यादा काले बर्तन हो जाते हैं। तो ये राख लगा लेती हूँ तो इससे जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं। तो देखिए कढ़ाई में मैंने राख लगा ली है और ये रख दी चूल्हे पे। तो चलिए चूल्हे में कंडे भी लगा देती हूँ और आज मौसम भी अच्छा है, धूप निकल आई सुबह ही सुबह और वैसे तो 6-7 दिन से बारिश हो रही, सारी फसल ख़राब हो गई और अब जाके बारिश रुकी, चलो ये भी बढ़िया है अब रुकी तो, वैसे फसल तो हो ही गई बर्बाद। तो देखिए चूल्हे में मैंने कंडे लगा दिए हैं और अब दही कंप्लीट करेंगे पहले। तो देखिए ये है दही और आज दही है थोड़ा कम इसलिए पानी डालना पड़ेगा। वैसे तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे ही अच्छा लगता है लेकिन आज मजबूरी है क्योंकि फिर तो बिल्कुल ही कम रह जाएगा। तो अब दही को थोड़ा सा फेर लेंगे, वैसे मक्खन नहीं निकालना, बस दही को थोड़ा सा चलाना है। तो देखिए चूल्हा मैंने जला दिया है, ये कढ़ाई में डाल दिया तेल। तो अब हम बनाएंगे दही के लिए बड़ा। तो तेल गरम हो रहा है तब तक मैं रख देती हूँ दूध गरम करने के लिए और बरोसी में मैंने कंडे डाल दी, ये डाल दी आग। तो दूध गरम करने वाला चूल्हा उसी में मैंने कंडे डाल दिए, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, गांव वाले तो सब जानते बरोसी। तो चलिए अब दूध छान देते हैं और बरोसी पे मैंने पहले जो कलर किया था वो मुझे अच्छा लगता था लेकिन ये वाला नहीं अच्छा लगता क्योंकि ये मैंने मिट्टी से ही कर दिया था, फिर से लीपेंगे कभी तो फिर करेंगे। तो देखिए दूध गरम करने के लिए मैंने रख दिया है और अब बनाएंगे बड़े।
तेल भी गरम हो चुका है और देखिए आटा भी मैंने छान के रख लिया है। तो पहले बड़े बना लेती हूँ, फिर आटा भी यहीं पे लगा लेंगे। मैं सारा सामान यहीं पे रख लेती हूँ पहले ही, क्योंकि कमरा पड़ता है थोड़ी दूर चूल्हे से और तब तक कुत्ते बिल्ली अपना काम कर जाएंगे, इसलिए मैं सब सामान लगा के रख लेती हूँ। और देखिए अभी मेरी क्यारी में फूल नहीं खिले, क्योंकि अभी 9 बजे नहीं है, 9 बजे खिलते हैं। तो देखिए बड़ा मैंने सेंक ली है, बिल्कुल धीमी आंच में सेंके तो अच्छे से सिक भी गए, तेज़ आंच में सेंको तो अच्छे से सिक नहीं पाते और अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। तो बड़े बनाने के लिए दाल को सब जानकर बारीक पीसते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा दरदरा पीसा है क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है, इसलिए सबकी अपनी अपनी पसंद है। और ये दाल में जो दाने से रह जाते हैं वो सेंकने के बाद और फिर दही में डालो फूलने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा दरदरा पीसती हूँ दाल को। तो बड़े मैंने बना लिए हैं और ये रखा है दही। तो पहले इसमें नमक मिर्च डालेंगे, तो ये मैंने नमक मिर्च जो पीसी थी ये मिला लेंगे पहले। तो देखिए नमक मिर्च मैंने मिला दिया है, ये मैंने डाल दी लाल मिर्च और ये धनिया पाउडर, और आप अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं, मेरे पास यही है तो मैंने यही डाल दिए। तो आज तो मेरे पास काला नमक भी नहीं है, वैसे मैं काला नमक ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं डाल रही हूँ बड़े, तो बड़े मैंने थोड़े ज़्यादा बना लिए थे इसलिए मैं सब नहीं डालूँगी, क्योंकि दही है थोड़ा कम। और आप रायता मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो मेरे पास जो था वो मैंने डाल दिया, मैं सिंपल ही बना रही हूँ और वैसे सिंपल भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम लगाएंगे तड़का। तो मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें डाल दिया मैंने जीरा और हींग। तो अब लगा देंगे तड़का और उसके बाद लगाएंगे फिर डड़ा। डड़ा की खुशबू बहुत अच्छी आती है दही बड़ा में भी और रायता में भी। तो देखिए ये मैंने लगा दिया तड़का। और वैसे दही बड़ा किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब हम लगाएंगे डड़ा। तो ये मैंने आग ले ली, अब इसको रखेंगे कटोरी में। और अब हम इस पे डालेंगे जौ और जीरा और थोड़ी सी हींग। और अब इस पे डालेंगे सरसों का तेल और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है रायता में भी और दही बड़ा में भी। तो ये मैंने कटोरी रख दी इसमें और अब इसे ढक के रख देंगे। तो काफ़ी देर हो चुकी है, आटा भी मैंने लगा लिया है, तो अब कटोरी को निकाल देंगे। और देखिए दही बड़ा बन चुका है, तो खा लीजिए आप लोग भी। तो देखिए आटा भी मैंने लगा लिया है और अब बनाएंगे रोटी। और देखिए हमारी क्यारी में फूल भी खिल चुके हैं और धूप भी चूल्हे पे आने वाली है, तो चलिए जल्दी से रोटी भी बना लेती हूँ। और आज मैं वॉइस रिकॉर्ड करते करते बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे सिर में दर्द होने लगा। वैसे भी रोज़ ही परेशान होती हूँ लेकिन आज ज़्यादा ही हो गई। पहले कमरे में बैठी थी तो बच्चे शोर करने लगे, फिर मैं दूसरे कमरे में आई, फिर पास ही में एक भैंस है वो चिल्लाना नहीं बंद हुई। फिर मैं और दूसरे कमरे में आई तो फिर कुटी कटने लगी चारा मोटर से, तो उसकी बहुत आवाज़ आ रही थी। फिर मैं छत पे आई तो फिर उस भैंस का पड्डा भी चिल्लाने लगा, वो भी सब सज धज के मेरे लिए बैठ जाते हैं। मुझे रहती है माइग्रेन की प्रॉब्लम, बहुत दर्द होता है मेरे सिर में, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे बार बार कट करनी पड़ रही, फिर से बोलना पड़ रहा, फिर से कट करनी पड़ रही, इतनी तेज़ सिर में दर्द होने लगा। तो देखिए रोटी बना ली है मैंने, खा लीजिए आप लोग भी। तो रोटी बना के मैंने बर्तन इकट्ठे कर लिए, तो चलिए अब बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। देखिए धूप कितनी तेज़ आ गई। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और अभी मैंने खाना नहीं खाया, मेरी आदत है सारा काम करने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। तो बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए, देखिए दूध भी गर्म हो चुका है और हंडी के दूध का स्वाद ही अलग होता है, गांव में तो अभी भी ऐसे ही गर्म किया जाता है। और देखिए अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो खा लीजिए आप लोग भी। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।